नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं 2018 यूपीपीएससी में जिन्होंने रैंक वन हासिल करी है ऑडिट ऑफिसर में, मिस्टर स्वप्निल अग्रवाल सर। वेलकम अगेन टू अनअकैडमी सर। थैंक तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमारी सर से काफी अच्छी बातें हुई, काफी सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बातें हुई, काफी सारी बुक्स के बारे में बातें हुई, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शनल के बारे में कि सर का ऑप्शनल जो है उन्होंने किस तरीके से उसकी तैयारी करी। फिर हम बात करेंगे कि उस ऑप्शनल के थ्रू उन्होंने इंटरव्यू में कैसे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हासिल करे, या फिर उसके थ्रू ने जो है इंटरव्यू में किस तरीके से पॉजिटिविटी मिली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका ऑप्शनल जो है आपने चूज किया, ये क्यों किया और आपने जो है ये डिसीजन कैसे लिया, थोड़ा सा इस। एक्चुअली सीए बैकग्राउंड होने की वजह से नेचुरली कॉमर्स लेना स्वाभाविक बनता था, इसलिए मैं कॉमर्स ही चूज़ करा था जी और उसी को बेस बनाकर मैंने इसमें प्रिपरेशन करी थी। ओके तो जैसे कॉमर्स आई थिंक कि मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा जो है मतलब जो बहुत कम लोग यूज लेते हैं इसको, है ना, तो उसके चलते कि आपको इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड किस तरीके से मिली जो है इसका में आपने, या फिर आपने खुद ही उसकी प्रिपरेशन करी हुई थी सीए की, तो आई थिंक वो आपके पास एक जो है प्लस पॉइंट था। बट जो है इसके लिए जो हमारे लर्नर्स अगर जो कॉमर्स लेना चाहे तो उनको जो है अगर स्टार्ट करना है कॉमर्स के लिए तो वो किस तरीके से स्टार्ट करें उस चीज को। देखो, पीसीएस का जो कॉमर्स का सिलेबस है यूपीसी का सिलेबस है काफी मतलब अलग डिफरेंट है। मतलब यूपीसी में बहुत ज्यादा सिलेबस है और पीसीएस उसका आधा ही है उसमें सिलेबस, पीसीएस में सिलेबस कॉमर्स का। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला तो कॉमर्स का जो भी सिलेबस प्रेस्क्राइब कराया है कमीशन ने, उसको गो थ्रू करना, कम से 2-3 बार जाना, और उसके जो भी इंडिविजुअल टॉपिक है उसको सेपरेटली लिख लेना। उसमें हार्डली 15 से 20 ही टॉपिक है, तो जो पेपर फर्स्ट जो है उसके 15, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो भी उसके 15-20 टॉपिक है उसका इंडिविजुअली लिख लेना, उसकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन करना। तो उसमें जो सिलेबस है वो बीकॉम का सिलेबस देखा जाए, एक दो चैप्टर ही हैं जो एमकॉम के हैं, बीकॉम के हैं, और बेसिक प्रिपरेशन की डिमांड करते हैं, कोई इसमें डीपर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं सीए से था तो मुझे जो भी मैंने मटेरियल पढ़ा था कोचिंग का उसी से एडवांटेज मिल गया था। तो बाकी जो भी इंडिविजुअल टॉपिक जो उसमें कवर नहीं थे वो मैंने फिर अलग से इंटरनेट पे सर्च करके उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ा था, क्योंकि हर टॉपिक उसमें कवर नहीं होता सीए में, उनका सिलेबस भी थोड़ा सा अलग है। तो जो टॉपिक कवर नहीं थे, नहीं हुए थे उस सिलेबस में सीए के, वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़े थे। जहाँ तक पेपर सेकेंड की बात रही, उसके लिए मार्केट में बहुत सी कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है अदर अदर प्लेटफॉर्म के, और उसमें भी यूपीएससी के मुकाबले आधा ही सिलेबस है। तो आप उस जो भी उसके भी आप लिस्ट बना लें कौन कौन से टॉपिक है उसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गई, एचआरएम है, आईआर है, तो आईआर में जो यूपीएससी का वही है, एचआरएम में यूपीएससी के 7 चैप्टर हैं उसमें खाली 2 ही चैप्टर हैं, ऐसे ही ओबी एंड ओटी है, ओबी में भी खाली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जिसे कहते हैं उसमें भी 3 से 4 चैप्टर ही हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर भी 4 से 5 चैप्टर है। तो आप मार्केट में आके ले सकते हो, या जो भी अगर कॉमर्स का कोई अगर है जो आप अवेलेबल करवा रहे हैं उससे आप गाइडेंस ले सकते। तो कॉमर्स जनरली कोई इसलिए नहीं लिखता, क्योंकि तो इसमें मार्किंग का नहीं पता किस हिसाब से वो स्केलिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, और यूपीएससी में तो सिलेबस काफी वास्ट है। अभी सीए भी नहीं ओपनिंग करते, वो भी सोशोलॉजी में जाते हैं या एंथ्रोपोलॉजी में चले जाते हैं, और पीसीएस में काफी लाइट वेट है और वो एडवांटेज भी है, और बहुत कम बच्चे इसमें कॉमर्स में इसलिए अडॉप्ट करते हैं इसमें मार्किंग के चक्कर में। लेकिन अगर आपने सही से प्रिपरेशन करी है तो अच्छा मार्क्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, ऐसी बात। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि यूपीपीसीएस में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कॉमर्स लेने के बाद कि आपके पास सिलेबस कम है और आपको पढ़ना है तो उसी उसी सिलेबस को पढ़ना है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसमें जैसे आप अभी मार्किंग की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि किस तरीके से उसको जो है कोप अप करा जा सकता है कि मतलब उससे ओवरकम कर पाए कि जो मार्किंग की वजह से नेगेटिव पॉइंट है इसका वो उसे ओवरकम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, क्या वो बता सकते। वो कम अपने एफर्ट से कर सकते हैं, ऐसे आप जैसे पूरा आपने पेपर अटेम्प्ट करा, उसमें बायकायदा आपने डायग्राम भी बनाए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी दी है, उसी से ओवरकम हो सकता है। बाकी क्या जिस हिसाब से वो स्किल वगैरह करते हैं वो हमारे हैंड में नहीं है, अपने हैंड में तो ये है कि अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाओ,
अपना बेस्ट प्रिपरेशन करो, डायग्राम हाँ तैयार करो, न्यूमेरिकल अच्छी तरह से हाँ तैयार करो, थ्योरी अच्छी तरह से तैयार हाँ करो, और 3 घंटे सफिशियंट होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। दो नहीं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आराम से अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो जो अपने हैंड में वो तो हम प्रिपेयर कर ही सकते हैं, तो ऐसे कोई नेगेटिव वाला बात नहीं है। बस यही है कि लोग कम ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स के भी बहुत कम ही होते हैं, एक ये भी पॉइंट है। जी, तो आई होप कि जैसे अभी पता चल गया होगा लर्नर्स को, तुमको अपना ऑप्शन डिसाइड करने में थोड़ा सा और हेल्प मिल गई होगी, कि जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा सा डिलेमा में है कि कौन सा जो है ऑप्शन चूज किया जाए, है ना। तो आई होप इस जो है इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को इस चीज में जो है काफी हेल्प मिलेगी। तो और अब से जो है आई थिंक कि ऑप्शनल जो है कॉमर्स में भी ज्यादा लोग ऑप्ट करेंगे, कि उसके थ्रू भी जो है हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो है ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। बाकी फिर आते हैं सर अब इंटरव्यू की तरफ। तो आपने इंटरव्यू की कैसे तैयारी करी, या फिर जब आपका मेंस निकल गया तो आपने जो है इंटरव्यू के लिए क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी अपनाई, या फिर किस तरीके से आपने अपना माइंडसेट करा? इंटरव्यू में सबसे पहली बात ये जानने की जरूरत है कि क्या क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पूछ सकते हैं हम। तो जब आपको ये पता चल जाता है, आप उस एरिया में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जैसे मॉक इंटरव्यू पड़े होते हैं पिछले जैसे ईयर के अलग अलग प्लेटफॉर्म के, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद जैसे अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म मॉक इंटरव्यू देते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला ही मेरा मॉक इंटरव्यू अनअकैडमी पे ही था, और उसमें मैंने बहुत मिस्टेक करी थी, और वो उसी पे मैंने काम करा था, और काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था उसमें। मैं और उसमें सर ने भी समझाया था, टोका भी था, जैसे मैं एग्रेसिव होके बोल रहा था, हाई टोन में बोल रहा था, और बार बार हैंड ऊपर ऊपर हो रहे थे। तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि सबको अवॉइड करो, बाकी आपका इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा है। तो काफी हेल्पफुल रहा था अनअकैडमी। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे मैंने ज्वाइन करा था, लेकिन ये है कि इन सब चीजों से आप सीखते हो कि आप जो रियली में जब आपका इंटरव्यू होता है उस टाइम कोई ऐसी मिस्टेक ना करो, तो काफी ये हेल्पफुल होता है। बाकी तो जैसे इंटरनेट में सर्च करके आपको कौन सा एरिया है उसके बारे में थोड़ा सा जानना, और आपका ऑप्शनल क्या है वो थोड़ा सा जानना, उसमें ऑप्शन से ज्यादा पूछ लेते हैं वो लोग, और करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है उस पर थोड़ा सा टैप करना, बाकी तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन में सम अप करना चाहूँ, तो जितना भी ज्यादा आप मॉक इंटरव्यू ट्राई कर सकते हैं वो करिए। इवन अगर आप मेंस अभी दिया भी नहीं है तब भी करिए, क्योंकि आई थिंक जो है जो चीजें मिस्टेक आपको जल्दी पता चल जाएंगी तो आप उसे कोप अप कर पाएंगे, रादर देन की लास्ट के 20 दिन 1 महीने में आपको पता चले। तो ये इंटरव्यू के लिए आपने जैसे तैयारी करी, आपका जो ऑप्शनल कॉमर्स है तो इसका जो है कोई इम्पैक्ट पड़ा था आपके इंटरव्यू पे, जो भी आपका इंटरव्यू हुआ था तो किस तरीके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हो आपके कॉमर्स से रिलेटेड स्पेशली जो है आपके इंटरव्यू में? हाँ, कॉमर्स का 80 से 90% जो भी क्वेश्चन मेरे आए थे वो कॉमर्स से रिलेटेड ही आए थे। उन्होंने शुरुआत से ही कॉमर्स से पूछना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने पूछा कि कॉमर्स का डे टू डे में क्या यूटिलाइज है। उन्होंने पूछ लिया, जैसे आप सीए हो तो आपके पास कोई इन्वेस्टर आया, उसकी बैलेंस शीट आपको चेक करनी है, तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे उसकी बैलेंस शीट चेक करोगे, कैसे आप उसको सजेस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे जैसे कि चाइना से उस टाइम चाइना इशू चल रहा था, तो चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, तो उससे कैसे इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर दूसरे पैनल मेंबर ने पूछा था कि न्यू लिबरलिज्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह क्या है इसमें। फिर उस टाइम फार्मर्स का चला, तो तीसरे पैनल मेंबर ने फार्मर्स से रिलेटेड पूछा था। उस टाइम ये ऑर्डिनेंस जो अभी इशू किए गए उसी से रिलेटेड पूछा था, कौन से 3 ऑर्डिनेंस हैं और उससे क्या एडवांटेज क्या हुआ, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट में जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछ वाटर से रिलेटेड पूछा था, वाटर क्राइसिस है तो वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड कोई 3 स्टेप बताइए। तो इस तरह से पूरा मेरा इंटरव्यू चला था। 80% लगभग लगभग मेरे ऑप्शनल से ही पूछे गए थे, जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थे। जी, तो अभी जैसे अभी मेंस भी चल रहा है यूपीपीएससी का, इसके बाद जो भी बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है हमारे लर्नर्स इंटरव्यू देंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की आप देना चाहें इस चीज के लिए, कि इंटरव्यू के लिए स्पेशली, कि जो है आप किस तरीके से गलतियां अपनी जो है बचा सकते हैं, या फिर आंसर ना देना ज्यादा बेटर है, इस तरीके से कुछ अगर आप बता पाए। उसमें ये पहला तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टोन भी सही होनी चाहिए, ना ज्यादा हाई पेस हो ना लो पेस हो। और दूसरा पॉइंट ये कि जब आपको नहीं पता तो आप मना कर दिए कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। एक दो बार मेरे साथ हुआ था कि मैं जबरदस्ती क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करी थी लेकिन पता नहीं था, तो वो अवॉइड करना चाहिए एट एनी कॉस्ट।
और बाकी आपके दोनों चीज प्रिपेयर होनी चाहिए, आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर होना चाहिए। आपने क्यों ऑप्शनल ये चूज करा ये भी प्रिपेयर होना चाहिए। मैं तो सीए था तो वो नेचुरली उन्होंने कहा ठीक है ये अप्रिसिएट करा उन्होंने, और ऑप्शनल के बारे में उसके बाद करंट अफेयर जो भी चल रहा होगा उससे रिलेटेड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, उसके किस तरह के काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आप आंसर दे रहे हो उससे कौन कौन से काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो मेनली इसी के आसपास घूमते हैं। एक दो जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आप एंथम क्या है और नेशन सॉन्ग क्या है और सत्य की वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो भी प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन उनके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और अगर वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक ये इंटरव्यू देख के जाएंगे तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ऑप्शन से रिलेटेड काफी सारी बातें हुई हमारी कि इंटरव्यू में कैसे हेल्प हुआ। तो अगर आपकी तरफ से स्पेशली कुछ अगर टिप्स देने चाहो ऑप्शनल के लिए, अपने ऑप्शनल के लिए आप अगर दे सकते हैं तो बच्चा हमारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद जो है हम वाइंड अप करते हैं इस चीज को। ऑप्शन से रिलेटेड ये है कि जो भी ऑप्शन चूज करना है पहले उसके सिलेबस से कोई भी आप ब्लाइंडली मत ऑप्ट करो, कोई भी कॉमर्स चाहे कॉमर्स ही क्यों ना हो कोई भी हो। और दूसरा ये है कि एक थोड़ा सा ये पैटर्न देख लो कि कौन से मतलब ऑप्शनल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि आपको कौन से ऑप्शनल में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सिलेबस कम है, आपको लग रहा है कि सिलेबस कम है और ये अच्छी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तब उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने ऑप्शन चूज कर लिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल लिस्ट में आने के, वही आपको फाइनल लिस्ट में ला भी सकता है, वही है जो आपको फाइनल लिस्ट से ड्रैग भी कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएससी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है, क्योंकि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स भी आते हैं और बेकार मार्क्स भी आते हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो एक बार चूज करने से पहले पूरी उसकी स्टडी देख लो, जो भी टॉपर्स हैं उनकी जो सजेशन है उसको भी सुन लो, अपना एनालिसिस कर लो, उसके बाद जो भी आपको चूज करना है वो चूज करो। तो आई होप कि ये सब इंफॉर्मेशन जो हमारे सर के थ्रू आपको को मिली है ये काफी हेल्पफुल रही होगी। तो सर फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर।